भक्ति के साथ कुछ नहीं चल रहा। भक्ति ने फ़ोन किया कि मैं फंस गई हूँ, मैं पिया हुआ हूँ, मैं ड्रंक हूँ। मैं आया उसके घर पे, भक्ति भक्ति बोला, देखा जो ये तो कुछ और ही है, नॉर्मल है। मुझे सीड्यूस करने की कोशिश करती है क्योंकि वो मुझे फंसाना चाहती है। तब हमारी ग्रेट मरियम कहीं से तो एंटर करती है और वो वीडियो ले लेती है कि नहीं 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 एक्चुअली मैं, मुझे अगर फवाद की सच्चाई अगर पता नहीं होती तो शायद मैं नहीं आती उसे बचाने के लिए। बट जब मुझे पता चला, अगर राइटर ने नहीं लिखा होता तो तुम नहीं आती, ये मत बोलो कि तुम नहीं आती। लेकिन ऑडियंस को कुछ बोल दूं मैं देखने के लिए। मुझे पता लग गया है कि फवाद ने भक्ति से बहुत प्यार किया एंड फवाद जेन्यूनली उसे बहुत चाहता था। बट देन भक्ति इन रिटर्न उसने बहुत उसको धोखा दिया, उसे फंसाने की कोशिश की। तो मैं यहाँ पे आई हूँ फवाद को बचाने के लिए और देखने के लिए कि फवाद बोल रहे हैं भक्ति की साजिश क्या है। एंड देन व्हेन आई कम हियर, आपने देखा वो कैसे उसको सड्यूस कर रही है, उसके साथ डांस कर रही है, उसे अपने जाल में फंसा रही है। एंड देन मैं आती हूँ और अपने होने वाले शोहर को बचा लेती हूँ। ये सब तो अभी ऐड किया तुमने, ये मैं फवाद को आके बचा लेती हूँ। उसको भक्ति को कहा था कि थोड़ा सा काट लेना, तो थोड़ा सा मैंने जस्ट टच किया था। मेरी ओवर द एक्ट, ओवर द टॉप एक्ट, ओवर द ओटीटी, ओवर द एक्टिंग, सो इंग्लिश खराब हो गई है जरा। एनीबॉडी, तो मैंने थोड़ा सा सिर्फ एक्टिंग करने के चक्कर में थोड़ा दिखाया कि इससे बहुत जोर से काटा हुआ, बट बेचारी ने कुछ नहीं किया। ये हीरा लड़की है, इसकी ओटीटी करने की आदत है। ओके, ओटीटी ओवर द टॉप। अब तुम्हें आएंगे कमेंट्स कि तुमने परम सिंह को ऐसे कैसे बोल बोला। करेक्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू।